हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग जो प्रिंसिपल्स देख रहे थे कॉलेज के एनवायरनमेंट, ये अडेप्टेशन हमने कंप्लीट तरीके से कवर कर लिया है, जिसमें हमने तीन तरह के अडेप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल की बात करी। अब हम अपने दूसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं कॉलेज में, एक है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन की बात करते हैं। देखो, वेरिएशन मतलब क्या? अलग अलग तरह की वैरायटी, चेंज हो जाना। यहाँ पर भी मतलब चेंज हो जाना, यहाँ पर चेंज लेकिन किसके अंदर आते हैं? वेरिएशन होती है जब किसी स्पीशीज़ के जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंज होता है, यानी कि जिस प्रकार से उसके एंसेस्टर्स या जो उनकी फैमिली प्रकार से चली आ रही थी, किसी एक जनरेशन में आके एक पॉपुलेशन या फिर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा था, उसके बाद से एक पीढ़ी की दिशा बदल गई। ठीक है, जेनेटिक मेकअप उसका बदल गया। यहाँ पर कैसे बदल जाता है, मतलब आप कहोगे कैसे, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो एक अच्छे वे में, आप कहो कि उस स्पीशीज़ के या फिर उनकी जनरेशन के जो जीन्स हैं ना, या तो उसमें और ज़्यादा वो ऐड हो गए या फिर कुछ जो है वो डिलीट हो गए। अब म्यूटेशंस, चेंज इन क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल बैरियर्स एक्सेट्रा, ये इन सब चीज़ों की वजह से वेरिएशंस आती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब व्हाट इज म्यूटेशन, कोई जानता है क्या होता है म्यूटेशन? हाँ, वेरी गुड। चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन वेरिएंट फॉर्म डेट में बी ट्रांसमिटेड टू सब्सिक्वेंट जनरेशन। यानी कि यहाँ पर आपका किस में ऑल्ट्रेशन, किस में चेंजेस आ जाते हैं? डीएनए में आ जाते हैं, या तो क्रोमोसोम्स या फिर जीन्स जो हैं वो ऐड हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने बोला, अमिताभ ने क्या डेफिनेशन दी अभी उसकी, अनुज और अमिताभ ने, हाँ, इनहेरिटेबल चेंज जो हो जाना जीन्स वगैरह के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन, क्लाइमेट का चेंज होना और ज्योग्राफिकल बैरियर्स, इन सब चीज़ों की वजह से वेरिएशंस होती हैं। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन छोटा सा है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो आप जानते हो, आप फील भी कर सकते हो और आप जानते हो कैसा होता है। देखो, अलग अलग तरह के, अलग अलग ज्योग्राफी से आए हुए लोगों के हमें स्किन कलर डिफरेंट दिखते हैं, उनके बाल हमें अलग अलग दिखते हैं। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि बच्चों के भी सफ़ेद बाल होते हैं। हमारे सफ़ेद बाल का होना मतलब क्या? बूढ़े हो गए हम, है ना, या फिर कोई दिक्कत है, या फिर किसी चीज़ की कमी है। कर्ली और स्ट्रेट हेयर, जैसे अफ्रीकन लोगों के बाल या फिर अमेरिकन लोगों के सिल्की बाल या फिर हमारे बाल कंपेयर करो। ठीक है, आई कलर, ग्रीन कलर की आंखें, ब्राउन कलर की आंखें, ब्लू कलर की आंखें, और ब्लड टाइप। ठीक है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये सारे, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। और एथनिसिटी कैसे बदलती है? एथनिसिटी हमेशा इंसान की बदलती है म्यूटेशन की वजह से, क्लाइमेट में चेंज की वजह से और ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से। मैंने एक बात बताई थी ना हमें कि कॉन्टिनेंट जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं। एशिया भी एक टाइम पर अमेरिका के पास था और होगा, है ना, जिसकी वजह से फिर हम ठंडे रीजन में आ जाएंगे और वो गर्म रीजन में आ जाएंगे, तो फिर कलर और वेरिएशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अफ्रीका को वैसे ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का काला होना क्या कुछ दिक्कत है वहाँ के ज़मीन में, या फिर बताओ कि पूरी की पूरी जनरेशन में कोई डिफेक्ट है? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, किस लिए वो लोग काले पैदा होते हैं? या फिर पहाड़ों के आदमी, जैसे इंडिया में ही नॉर्थ इंडियंस काले होते हैं, पहाड़ों के लोग गोरे के होते हैं, साउथ इंडियंस काले होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न्स गोरे के होते हैं, क्या रीज़न होता है इसका? वेरिएशन, क्योंकि क्लाइमेट वगैरह की वजह से ये जो है, ये सब स्किन टोन, कलर, बालों का रंग, आँखों का रंग, ये सब बदलता है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि किस हिसाब से बाल, आँख, स्किन कलर और क्या कहते हैं, बालों की शेप, ये सब, ब्लड टाइप, ह्यूमन स्पीशीज़ के अंदर ये एक वेरिएशन है। अब एक इसी के अंदर एक टर्म आती है जिसमें अलग से आपको क्वेश्चन आ सकता है, अडैप्टिव रेडिएशन। अब अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना एक जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी एंसेस्ट्रल स्पीशीज से काफ़ी अलग होते हैं, यानी कि अपने पूर्वजों से अलग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग प्रकार में। क्यों? क्योंकि जब ये नई जो स्पीशीज़ हैं, इनके एनवायरनमेंट जो है ना, इनके एनवायरनमेंट के अंदर एक नए प्रकार के चैलेंजेस हैं जो कि प्रीवियस जनरेशन के अंदर नहीं होते थे, तो ये लोग ना एक नए एनवायरमेंटल नीश के अंदर रहते हैं। अब ये नीश क्या था बताओ जल्दी मुझे रिकॉल करके, व्हाट डू यू मीन बाय नीश? क्या यहां पर देखो, नीश, इट रेफर्स टू यूनिक और फंक्शनल रोल
और पोजीशन कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट या इकोसिस्टम में रहने के बाद स्पीशीज़ का रोल क्या है, वो क्या रोल निभा रहा है, उसकी फंक्शन कैटेस्ट के वहाँ पर उसका फंक्शन क्या है, कुछ तो रोल होता है ना हम सबका। हम कहीं ना कहीं जब घर में रहते हैं, आप किसी के, मैंने बताया था ना, सिस्टर हो, वाइफ हो, डॉटर हो, कुछ तो हो, ठीक है, तो आपका एक यूनिक तरीके से जो रोल होता है, फंक्शनल रोल उसको कहते हैं, ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है स्पीसिएशन का। स्पीसिएशन जो टर्म है किससे आपको दिख रही है सुनते हुए मिलते जुलते, स्पीशीज से। स्पीसिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में नई नई स्पीशीज जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं, ठीक है, नई नई स्पीशीज फॉर्म होती हैं। अच्छा, इसको इवोल्यूशन से कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है? इवोल्यूशन मतलब इवॉल्व होना। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से स्पीसिएशन हो रहा होता है। यानी कि देखो, स्पीसिएशन एक प्रोसेस है, लेकिन जिस प्रोसेस की वजह से स्पीसिएशन हुआ, यानी कि स्पीसिएशन भी एक प्रोसेस है, लेकिन स्पीसिएशन का बर्थ क्यों हुआ, वो इवोल्यूशन की वजह से होता है। इवोल्यूशन का मैकेनिज्म उसको डिफाइन करता है। पहले होता है इवोल्यूशन, फिर होता है स्पीसिएशन। नई स्पीशीज यहां से निकलती है स्पीसिएशन की वजह से, ठीक है। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है इसका क्या? आराम से, कुत्तों की ब्रीडिंग जानते होगे, बताओ क्या होता है उसमें, है ना, म्यूल भी ये नई प्रकार से बन रही स्पीशीज के नहीं बन रही, बताओ। ब्रीडिंग डॉग्स जिसको हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मिक्स ब्रीडिंग। आप यहां पर एक चीज देखो, जैसे ये सेलेमेंडर है कैलिफोर्निया के अंदर। अच्छा, सेलेमेंडर पता है क्या है? बचपन में आप लोग पोकेमॉन देखते थे ना, देखा किसी ने पोकेमॉन? उसके अंदर एक वो होता था, क्या नाम है उसका, चारमेंडर होता था जिसके पूंछ से आग जल रही होती थी, है ना, उसकी पूंछ से आग जल रही होती थी, चारमेंडर होता था। तो वो इसी से देखकर मतलब इंस्पायर्ड था वो कैरेक्टर सेलेमेंडर से, ठीक है, छिपकली एक जो दो पैरों पे खड़ी हो सके और जो जिसकी पूंछ से आग जल रही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक वो ऑब्वियसली बात है, वो कार्टून बनाएंगे तो थोड़ा तो रिफाइन करेंगे। देखो, अब यहाँ पर एक समझने की कोशिश करो, ये एक सेलेमेंडर की कैलिफोर्निया के अंदर मिलने वाली एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन है। कुछ ग्रुप ईस्ट की तरफ मूव कर गए यहाँ पर इस डायरेक्शन में, कुछ वेस्ट की तरफ मूव कर गए। इनके अंदर करते करते जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि वेस्ट में कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ अलग हुई, यहाँ पर कुछ अलग एनवायरमेंटल कंडीशन हुई। ये आते आते इनके जीन्स के अंदर अलग परिवर्तन आया, इनके जीन्स के अंदर एक अलग परिवर्तन आया। अब मैं इसको एक चीज़ से समझाता हूँ, देखना, जैसे रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। अमित, आपका सरनेम क्या है? दुबे। मेरा सरनेम क्या है? दुबे। लेकिन क्या हम एक ही घर में रहते हैं? हम एक ही शहर में रहते हैं? आपके पापा मेरे पापा भाई हैं, या फिर हम दोनों के रियल भाई हैं? ऐसा नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ एक चीज़ को शो करती है, समझाने का बस एक तरीका बता रहा हूँ। अमित की फैमिली मूव कर गई इस तरफ, ये दुबे इस तरफ चले गए, ये वाले दुबे इस तरफ चले गए। आपके घर पर जो चीज़ें बनती हैं, जैसे अमित आप नॉनवेज खाते हो क्या? कभी खाए? नहीं खाया। मैंने भी कभी नहीं खाया। लेकिन अमित मुझे एक बात बताओ, या आप में से कोई भी एक चीज़ रिलेट कर सकते होंगे, दुबे पंडित हैं, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये शत प्रतिशत बात है 100% के, पत्थर की लकीर के, कोई भी दुबे इंडिया के अंदर ये नॉनवेज नहीं खाता होगा, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर अलग कंडीशंस, ठीक है। और होता क्या है, पॉपुलेशन कैन नो लॉन्गर मीट, ये आपस में मीटिंग नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने एक बात बताता हूँ, सोशियोलॉजी से कनेक्ट करके इसको बताता हूँ। अमित होता क्या है, जैसे मुझे, या आप सब भी समझो, जैसे मुझे कोई लड़की पसंद है और वो दुबे है, मैं भी दुबे हूँ, तो सबसे पहले अमित आपको एक बात बताओगी, गोत्र मैच करा जाता है शादी के टाइम पर, गोड़ मैच करते हुए, है ना, कि ये दोनों भाई बहन तो नहीं है एंसेस्ट्रल, है ना। फिर पंडित बोल देता है कि हाँ शादी हो सकती है, अगर नहीं हो सकती ये ना, मतलब गोत्र इनका ये बता रहा है कि ये ना भाई बहन रहे हैं पुरानी पीढ़ी में, है ना, ये चीज़ है। अब देखो,
पॉपुलेशन कैन नो लॉन्गर मेट, इनका मेटिंग मतलब क्या, इनका सेक्स नहीं हो सकता। तो अगर मेरा गोत्र उस लड़की से मिल गया तो हम एंसेस्ट्रल भाई बहन है, भाई बहन के बीच में कहते सेक्स हो जाएगा, ये चीज, क्योंकि इनका ओरिजिन यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये बट गए तो क्या हुआ, ये बट गए तो क्या हुआ? ऐसे ही होता है, पता है गोत्र मिलाने के, पता है क्या देखते हैं कि ये चली थी दुबे की पीढ़ी, ये लोग उधर चले गए, वो लोग उधर चले गए, इन्होंने अपने फिर अलग फैमिली रेस करी, उन्होंने फिर अलग फैमिली रेस करी, काइंड ऑफ बंटवारा मान लो। लेकिन फिर जब गोत्र मिलाकर देखा जाता है ना, जैसे कुछ, जैसे अब पंडित का जो भी प्रोसीजर हो, लेकिन अगर हम ये बोलें कि जीन्स मैच करके देखे जाएं एक तरीके से साइंटिफिक प्रोसीजर की वजह से, तो पता लगेगा भैया ये भाई बहन है, अट्रैक्शन हो गई है, क्योंकि बड़े सालों में इतनी पीढ़ियाँ मिली नहीं है, लेकिन शादी नहीं हो सकती भैया, क्योंकि साइंटिफिकली भाई बहन है, भाई बहन के बीच में सेक्स नहीं होता। यही सेम चीज़ है यहाँ पर कि नहीं है, बताओ साइंटिफिक तरीके से, जो सेलेमेंडर के केस में है, बताओ है कि नहीं? और यहाँ पर ये देखो, सेलेमेंडर, सेलेमेंडर कैलिफोर्निया, ये होता है सेलेमेंडर, ये, और जो मैं आपको वो बोल रहा था ना पोकेमोन के अंदर, ये स्पीशी थी वो वाली, ये जो ऐसे करके बनी हुई थी, ये इन्होंने ऐसे कार्टून बनाया था ये, इसको इमेजिन करके, ठीक है, कहानी है बस कुछ सब। स्पीशिएशन के कंसेप्ट में एक बात और करते हैं यहाँ पर, जो स्पीशीज होती हैं, स्पीशीज कंप्राइज मैनी पॉपुलेशन, ये हमने देखा था ना शुरू में टेबल, वो याद है ना, सारे के सारे एटम से लेकर वो करते हुए, एक स्पीशीज के अंदर बड़ी सारी पॉपुलेशन होती है, ऑफन डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती है स्पीशीज की, वो आइसोलेटेड रहते हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर्स, माउंटेन, ओशन, रिवर्स। ये वाली बात रिलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत PSIR से, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जब कंसेप्ट समझाया था मैंने, उनके कल्चर, कस्टम्स और पॉलिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, पोलिस, और उससे वो सब लोग डिफरेंट करते हैं, उनके खुद के कस्टम्स इवॉल्व वगैरह हुए हैं, तो ऐसी क्यों हुए, मतलब क्योंकि वो स्पीशीज डिफरेंट है एक दूसरे से। और एक बार बताओ, ज्योग्राफिकल बैरियर होने की वजह से, क्या ज्योग्राफिकल बैरियर, सात समुंदर पार जाना पड़ता है ऐसा कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन मिलेगा, अमेरिका पहुंच गए आप, अमेरिका और रशिया, अमेरिका और इंडिया में क्या फ़र्क है बताओ, ज्योग्राफिकल बैरियर्स का ही तो फ़र्क है बताओ, है कि नहीं, गलत बोल रहा हूँ? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से ना स्पीसिएशन होता है, अलग अलग स्पीशीज डिवॉल्व होती है, ठीक है, जिसको आप ये भी बोल सकते हो, एक नाम दे सकते हो ज्योग्राफी की वजह से जो स्पीसिएशन होता है, एलोपैट्रिक स्पीसिएशन या फिर ज्योग्राफिक स्पीसिएशन। आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड जो सब पॉपुलेशन होती हैं वो बहुत डिफरेंट बन जाती है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, और आइसोलेट हो जाती हैं, रिप्रोडक्शन भी उनका अलग तरीके से हो जाता है, और वो फिर आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते, ठीक है। एक्सटेंडेड पीरियड के टाइम जो सब पॉपुलेशन होती है उनमें जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, जीन्स चेंज हो जाती हैं, वो आइसोलेटेड हो जाती हैं और आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाती। इस वाले पॉइंट को अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही ना, इसका आंसर ये डायग्राम है, ड्रिफ्ट हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये इधर, ये उधर, ये देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये इधर बदल गया, इधर बदल गया, ये लाल हो गया, ये रेड है, ये ब्राउन ही रहा, ये इंटरबीट नहीं कर सकते आपस में। इंटरबीट करने का पता है क्या मतलब है? अब मयूर जैसे आप पूछ रहे थे कि सेक्स करने का मन नहीं करेगा क्या इनका, ये इंसानों को तो समझ सकते हैं कि वो भाई बहन है, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर पता है क्या है, इंटरब्रीड से बच्चा पैदा नहीं होगा, बात ये है। हाँ, ये देखा नहीं यार मैंने, यार ये अभी यहाँ पर भेजा होगा ना गूगल मीट पे आपने, वो देखा नहीं यार मैंने। लेटर व्हेन द बैरियर इज रिमूव्ड, अगर बैरियर रिमूव हो जाए, सब पॉपुलेशन आर अनेबल टू इंटरब्रीड, मतलब अगर बैरियर देखो यहाँ पर अभी तक बैरियर था, अभी रिमूव भी हो गया, लेकिन ये फिर भी इंटरब्रीड नहीं कर सकती है, ठीक है, एंड दस सब्सिक्वेंटली द सब पॉपुलेशन बिकम टू डिफरेंट स्पीशीज, और ऐसे एक दो स्पीशीज अलग पैदा होती है। तो आज आपने ये सीख लिया कि स्पीसिएशन किस प्रोसेस की वजह से होता है और ये होता कैसे है, ये पूरा प्रोसेस था, मतलब आप इसको वैसे तो एक टर्म में इन्होंने डिफाइन कर दिया है, आप यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते इसको, आपको इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा कैसे, कि ज्योग्राफी सबसे पहले तो ज्योग्राफी जो अलग कर देगी, अलग कैसे कर देगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा, आइसोलेट हो जाएंगे, इंटरब्रीड कर नहीं सकते आपस में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चा पैदा होगा नहीं आपस में, ऑफस्प्रिंग्स कोई भी बनेगा नहीं, पैदा होगी नहीं, जिसकी वजह से जब कोई मतलब वो बनी नहीं रहे आपस में, मेटिंग ही नहीं कर सकते हैं, तो लो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, क्योंकि हम दोनों आपस में सेक्स नहीं कर सकते, तो अब मैं अपनी किसी और से शादी करूंगा, मैं आगे उसके साथ बच्चे पैदा करूंगा, जाओ तुम किसी और के साथ शादी करो, अब तुम उसके साथ बच्चे पैदा करो, तो बस ये अलग चीज़ है। ये वही वाली बात है, मैं और मेरी बंदी अगर शादी कर लें, है ना, तो
वो अब एक ही पॉपुलेशन के अंदर हमारा बच्चा वो बढ़ेगा, इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से मेरे बेटे का नाम दुबे होगा, है ना, और जो एक और अगर बेटी हो गई तो वो दोनों भाई बहन होंगे, लेकिन किसी भी डिफरेंसेस की वजह से घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा देते हैं, और जो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी कहीं और हो जाती है। अब उसकी फैमिली अलग, उसकी शादी पता नहीं कहाँ, कौन से रिलीजन में, कौन से परिवार में हो गई, वो अलग चल रही है और मैं अलग चल रहा हूँ। अब ये दो फैमिलीज बट गई आपस में इधर उधर, वो अपने रास्ते चली गई, ये अपने वो चली गई अपने रास्ते। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखना क्या हो सकता है कि अभी तक अगर हम दोनों शादी करते और हम दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो एक लड़का लड़की पैदा होते हैं वो भाई बहन होते, लेकिन अब ये चीज़ हो सकती है कि उसकी बेटी और मेरे बेटे को आपस में अट्रैक्शन हो जाए। भाई बहन रहते हुए घर पे अट्रैक्शन होना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये पॉसिबल है कि अगर उसकी बेटी हुई है, उसने अगर किसी औरत से शादी कर ली और मैंने किसी औरत से शादी कर ली, मैं और मेरी बीवी अब अलग है, वो नहीं है वो, मतलब मेरी बीवी, मेरे बेटा हुआ उसकी लड़की हुई, अब यहां पर मेरे बेटे को उससे प्यार हो सकता है या फिर उसकी लड़की को मेरे बेटे से प्यार हो सकता है, बिकॉज बोथ आर टू डिफरेंट स्पीशीज। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।